दोस्तों, क्या आपकी भी इच्छा रहती है कि आपको गोवंश ऐसी चाहिए जो साथ में जिसके बछड़ी हो और दूध देने की जो क्षमता के बारे में बात करें तो 20 लीटर के प्लस की हो? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको ऐसी ही गोवंश दिखा रहे हैं जिसकी दूध देने की क्षमता 20 लीटर के करीब की ही है, यानी कि 15 और 16 लीटर के करीब में अभी गाय के नीचे बिल्कुल जो दूध है वो रेडी है। तो उससे पहले सभी दोस्तों और मित्रों को नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं राव जी डेयरी फार्मर और मैं गौरी शंकर। दोस्तों, गाय की डिटेल से बारे में बात करें तो उससे पहले जो भी किसान मित्र आपके अपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन दिया गया है उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे चैनल पर आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वो भी तब होगी जब आप ऑल नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करोगे, यानी कि जब चैनल पर जो वीडियो आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं गाय के डिटेल के बारे में। तो आज की जो गोवंश हम आपको दिखा रहे हैं ये रेड सिंधी ब्रीड के अंदर है, बहुत ही बेहतरीन शानदार। गाय के अडर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन है। नाभि का साइज़ जो कि देसी गोवंश की मेनली निशानी रहती है। और उसके बाद में बात करें जो पीछे से अगर आप जो गोवंश कटर देख पा रहे हो वो भी बहुत ही प्यारा है। गाय की अभी ताज़ी अभी डिलीवरी हुई है, जब हमने वीडियो बनाई थी आज ऐसी गाय को डिलीवरी को लगभग 2 दिन का टाइम हो चुका है। 2 दिन के टाइम के बाद में जो गाय के नीचे अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो दूध रेडी है, दूध तैयार है, वो 16 लीटर के करीब दूध बिल्कुल तैयार है। जिस किसान मित्र के मन में यह चल रहा है कि हम दूध देख करके लेंगे तो वो पहले 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम तक इस गोवंश की मिल्किंग चेक कर लीजिएगा। जब गाय 18 और 15 दिन के बीच में हो जाती है बच्चा दिए हुए, तो 20 लीटर दूध है जो हम नाप के देंगे इस गोवंश का। तो गाय की अगर क्वालिटी के बारे में देख पा रहे हैं, अगर क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो हम्प का जो साइज़ है, हम्प का साइज़ बहुत ही बेहतरीन है। भारी मखमली गलकम्बल है, शानदार पीठ पुठे की है। गाय ने अभी सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी बार फीमेल काफ को जन्म दिया है। और लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, इसकी जो लोकेशन है विलेज कमीनपुरा, डिस्ट्रिक्ट श्रीगंगानगर, स्टेट राजस्थान। श्रीगंगानगर से 20 किलोमीटर की दूरी अपना जो डेयरी फार्म पड़ता है तो ये गोवंश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और इसके साथ में मिलती है 30 के प्लस जो कि राठी, साहिवाल, थारपारकर इत्यादि देसी गोवंश, जिससे कि आप अपनी पसंद के अनुसार, इच्छा के अनुसार देसी गोवंश का चयन करके आप खरीद सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद में बात आती है मेनली इसकी प्राइस की कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। तो इस गोवंश की जो कीमत रखी गई है वो बहुत ही वाजिब, दूध की देने की क्षमता को देखते हुए, क्वालिटी को देखते हुए एक शानदार कीमत के अंदर जो कि आज आपके लिए सेल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, आज इस गोवंश की कीमत हम नहीं बताएंगे, इस गोवंश की कीमत आप बताओगे कि जो 20 लीटर के करीब दूध देने की क्षमता वाली गोवंश है और 16 लीटर के करीब दूध बिल्कुल तैयार है, तो इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, कमेंट के माध्यम से आप हमारे को ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं एक शानदार और बहुत ही बढ़िया गोवंश की वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय गो माता।